ही गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मून ब्लैक 2। तो गाइज़, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एल्डर के काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को फाइट करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिया था, फिर हम लोगों ने हमारे राइवल को टाउन में भी दे दिया था, एंड अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं हमारे फर्स्ट सिटी में, जहाँ से हम लोगों ने हमारी जर्नी को स्टार्ट किया था, जहाँ से हम लोगों को हमारा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था, वहाँ पर जाएंगे बिकॉज हम लोगों को वहाँ पर हमारा फर्स्ट जिम चैलेंज करना है। एंड टीम में मैंने चेंजेस कर लिए, सो लेट मी शो यू माई टीम। हमारे पास एक लुकारियो है, सॉरी लुकारियो नहीं, क्या नाम होता है ये, रियोलू है या फिर राइलू है जिसको मैंने बाकी नाम दिया है, और एक मैंने नाइनटेल्स भी पकड़ लिया, नाइनटेल्स नहीं यार, वल्पिक्स पकड़ लिया। मैं हमेशा उसके एवोल्यूशन के नाम क्यों ले रहा हूँ आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैंने वल्पिक्स पकड़ लिया जो कि अलोलन वल्पिक्स है। सो ये एक आइस टाइप पोकेमॉन है एंड फेरी टाइप बन जाएगा जब ये इवॉल्व हो जाएगा। इसको इवॉल्व करने के लिए मुझे आई गेस आइस स्टोन की ज़रूरत है, और हमारे बाकी को इवॉल्व करने के लिए हैप्पीनेस की ज़रूरत है, वो खुशी के साथ इवॉल्व हो जाता है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो डेसी है वो अपने सेकंड स्टेज में आ चुका है, मतलब राउलेट से इवॉल्व होकर डार्ट्रिक्स बन चुका है। एंड हमारा रॉकी तो है ही, मैंने इस गेम प्ले में सबको नाम दिया है, एंड मैंने ऑब्वियसली बोला था कि वही पोकेमॉन यूज़ करूँगा जिनके साथ मैंने कभी खेला नहीं है। लाइक आई नो मैंने लुकारियो के साथ खेल रखा है, लेकिन मैंने NDS में बहुत कम खेला है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग लुकारियो इन दिस गेम प्ले। तो मैंने आपको काफ़ी सारी नॉलेज दे दी है, तो चलो अभी हम रिटर्न जाएंगे हमारे पहले वाले टाउन में। एंड अबे यार ये वही एल्डर होगा, मुझे लगा ही था। देख ब्रो, अगर तू कोई टाइम पास करने वाली बातें करने वाला है तो प्लीज़ मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर। एक्सक्यूज़ मी, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट टेक दीज। अरे यार ओरान बेरीज क्यों दे रहा है मेरे को, लेट मी सी, दोज आर ओरान बेरीज, इफ़ यू गिव वन टू योर पोकेमॉन इट्स एच पी विल बी रिस्टोर्ड। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, what's more you can give your pokemon a berry to hold like this oran berry for instance when a pokemon holds this berry it can eats the berry if it get hurt in the heat of battle and regain some hp well I just told you to challenge the gym leader ha isne mere ko bataya tha aspertia's gym leader is very strong trainer but you have nothing to worry about if you think hard about what the pokemon at your side can do and what you should do as a trainer okay victory will be yours and then you should take on stronger and stronger trainers actually take on the gym leaders of each city working together with your pokemon is what makes you grow as a trainer as you and your pokemon grow stronger your world will get broader okay theek hai matlab pakane wali baat to nahi thi lekin theek hai filhal mujhe yahan se nikalna hai are yaar wild pokemon mat aana oh ek snix लेकिन सॉरी मुझे कोई स्निक्स वगैरह नहीं चाहिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको अपनी टीम में ऐड करके रखा है सो दैट्स वाई ए वेट आई कैन यूज़ माई पोकी राइड ना आई गेस तो ये रहा पहला जिम अंदर चलो ये एक लाइब्रेरी भी है सो लाइब्रेरी स्कूल है आई गेस ये हाँ तो हम लोग अपना काम करेंगे यहाँ पे ये कौन है Hello, I'm Clyde, the guide of trainers who challenge Pokemon gyms. Thank you for taking on the gym. Take this to commemorate your debut, okay? Fresh water, thank you. Pokemon gyms are facilities for testing trainers' abilities. Put simply, if you can defeat the gym leader, it means you are a really good trainer. If you run out of Pokemon that can fight during a Pokemon battle, you lose. So having a lot of Pokemon with you might work. To your advantage, okay. That's why I guess I'm carrying 4 Pokemon with me. You must be the challenger. अरे ये तो I guess neat है. मुझे याद है जब हम लोग actually Pokemon Moon Black 2 खेलते हैं तो यही character है जो कि हम लोग खेलते हैं. लेकिन इस game में वो हमारा first gym leader है, okay. Welcome to Aspertia's Pokemon Gym. I'm Nate, the gym leader. Well, maybe I would better say that I just become the gym leader. More importantly, we need to prepare before welcoming you to the gym, okay? We have a challenger, you two take your places. If you can defeat these two, then I will be your opponent. Okay, तो अगर मुझे उसको challenge करना है तो मुझे उसके दो gym leaders के चमचों को हराना पड़ेगा. So चलो करते, ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला. एक रटटा, okay. ये भी डार्क टाइप है बिकॉज ये अलोलन रटटा है ऑब्वियसली. विस्मर के लिए भी यही यूज़ करूँगा.
पता है मैंने बाकी को जानबूझ के टीम में ऐड किया, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं नहीं करता ना तो मोस्ट ऑफ द लोग गुस्सा हो जाते हैं या फिर बोलते कि यार ब्रो यू आर नॉट यूजिंग लुकारियो इन योर टीम, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ दिस पोकेमॉन, या फिर कहूँ आई हैड टू, देखो सभी वो टीम में ऑलरेडी आ चुका है। और हमारी सिंड्रेला तो यार सही में काफ़ी ओपी है गाइस, इसकी एबिलिटी है, मतलब इसकी एबिलिटी नहीं, हाँ इसकी एबिलिटी कहते हैं, इसकी एबिलिटी स्नो वार्मिंग है जिससे कि बर्फ़ आ जाता है हर जगह, मतलब बैटल में ऑब्वियसली। वेट दिस टाइम आई विल चेंज माय पोकेमॉन, लेट मी पुट सिंड्रेला फर्स्ट, चलो बातें करते इससे एंड इसको भी हरा देंगे इजीली। एक ग्रब इन, ओके पहला पोकेमॉन डाउन, दूसरा आ रहा है एक इग्लीपफ, चार्म वगैरह यूज़ करके क्या फ़ायदा है, सिंड्रेला हमारी एक स्पेशल अटैक करे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसके पास सब बेबी पोकेमॉन ही है क्या? अरे अरे सुला दिया इसने डैम, कंफ्यूज कर दिया स्वीट किस से। और अभी एनकोर, खुद को हट मत कर रहे यार सिंड्रेला, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। ओके ओके हरा दिया, नाइस, ओके यू आर प्रिटी गुड बट कैन यू बीट शेरन, ओ आई मीन आपको कहना चाहिए कैन यू बीट नेट, बिकॉज इसका नाम नेट है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। वेट आई विल हील माई पोकेमॉन फर्स्ट, आई एम प्रिटी श्योर मैंने पोशंस जैसे कि देख सकते हो खरीद के रखे थे, सो लेट मी यूज़ माई पोशंस एंड वेट बाहर निकलो, नाउ लेट्स गो इनटू पोकेमॉन एंड लेट्स चेंज द पोकेमॉन ऑर्डर एंड नाउ वी आर रेडी टू चैलेंज। वेट इसको मैं यहाँ से चैलेंज करूँगा, क्या नखरे कर रहा है ये, पैर वगैरह पड़ रहा है क्या? जस्ट एज दिस इज योर फर्स्ट जिम चैलेंज, दिस इज माई फर्स्ट जिम पोकेमॉन जिम बैटल, ओके लेट्स बोथ डू योर बेस्ट एंड हैव अ बैटल वी कैन प्राउड ऑफ, ओके ब्रो लेट्स सी। अरे यार मैंने गलती से इसको क्यों आगे रख दिया, अब कोई नहीं रॉकी आई गेस तू संभाल लेगा। आई होप तू इसको किल कर दे, ओके वन शॉट किल, एक नंबर। ग्राउलित, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई पोकेमॉन, लेट मी यूज रॉक थ्रो अगेन, और डैम इसको भी वन शॉट किल कर दिया है। मेरी पोकेमॉन थोड़े ओवर लेवल्ड हो गए क्या? ओके टाइप नल है इसके पास, दिस पोकेमॉन इज गोइंग टू बी अ लिटिल हेडेक, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, गेस वॉट, मैं इसकी स्पीड कम करते जाऊंगा करते जाऊंगा। वेट 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 आई कैन डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पीड गिरा ली मैंने एंड अब जब कि ये इसकी स्पीड गिर चुकी है लेट मी यूज़ कन्फ्यूज रे, सो देर आर चांसेस कि ये खुद को हर्ट करे एंड ये या गुड गोइंग एक नंबर। अभी मैं टेल वेप कर दूंगा जिससे कि इसका डिफेंस गिर गया एंड ऑब्वियसली ये एक लास्ट पोकेमॉन है तो ओ तो बेरी वगैरह भी यूज़ कर रहा है, कोई ना लेट मी यूज़ आइस शार्ड, एक नंबर एक नंबर, गुड गोइंग ब्रो। पोशन वगैरह भी है डैम, कन्फ्यूजर इसलिए बहुत काम का। अरे यार मेरे को आइस शार्ड नहीं मारना था, ओके ओके अब इसने मेरे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन गेस व्हाट, वैसे भी ये अभी बर्फ से ख़त्म हो ही जाएगा, सी दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ बैटल, अ फैंटास्टिक बैटल, ऐसे कुछ तो था ना आई गेस।
दैट बैटल हैज़ मेड मी फील रियली ग्लैड यू आर माई फर्स्ट चैलेंजर एज अ जिम लीडर आई गिव यू दिस इन ऑनर ऑफ द स्ट्रेंथ यू एंड योर पोकेमॉन शोड. ओके सो हम लोगों का हमारा पहला जिम मैच मिल चुका है. हम लोगों ने हमारे पहले जिम लीडर नेट को हरा दिया एंड हम लोगों को पहला जिम मैच मिल चुका है. ऑब्वियसली हियर इज़ योर फर्स्ट जिम बैच द बेसिक बैच. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन. विद दिस बैच पोकेमॉन अप टू लेवल 20 विल ओबे यू इंक्लूडिंग द ट्रेडेड पोकेमॉन एंड आई वॉन्ट यू टू टेक दिस. ओ वर्कअप, ये भी काफ़ी अच्छा TM है जिससे कि आप लोग अपने पोकेमॉन का अटैक और डिफेंस काफ़ी बढ़ा सकते हो. TM 83 कैन टीच योर पोकेमॉन द मूव वर्कअप. वैन यू यूज़ वर्कअप वाइल बैटलिंग इट रेजेस द यूजर्स अटैक एंड स्पेशल. अच्छा, डिफेंस नहीं बढ़ता. ओके बाय द वे TMs कैन बी यूज एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट. इन द यूनोवा रीजन देर आर 8 पोकेमॉन जिम्स एंड 8 जिम बैजेस. इफ यू आर अ ट्रेनर यू कुड कलेक्ट ऑल ऑफ देम. दैट विल मेक इट ईजियर टू फिल द पेजेस ऑफ पोकेडेक्स एज वेल. येस 2 years ago पोकेडेक्स इन हैंड आई लेफ्ट ऑन अ जर्नी विथ माई फ्रेंड्स. पता है मुझे, बट ठीक है आई गेस हम लोगों ने अपना काम तो कर दिया. अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे जाएंगे. यहाँ पे कोई कुछ चीज़ करनी है क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस. अगर आपके पास, ओ यहाँ पे बियंका आ चुकी है. ही हाउ वॉज इट, हाउ डिड योर पोकेमॉन बैटल विद द जिम लीडर गो? ओ इफ इट इजंट द बेसिक बैच, वाओ अमेजिंग. And you just set off on your journey with your Pokemon. You definitely have potential as a trainer. I'm sure of it. This is from me. It's the TM for the move Return. Okay. हाँ, basically Return एक ऐसी move है जो कि अगर आप किसी को सिखाओगे and अगर उस Pokemon के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा connection है, like you are using that Pokemon from a pretty long time, तो वो move का damage बढ़ते जाता है. When a Pokemon knows Return, the more it gets along with your trainer, the more powerful can move is. Okay guys, sorry for the background noise. Still the net. Okay, ye bhi aa chuka hai. Bianca, it's been 2 years, hasn't it? Oh wow, what's up? I thought it would be good idea to register each other in the transceiver. Okay, now you can communicate with me from your transceiver. Me too. Okay, I register Professor Kukui फॉर यू टू. अभी तो रजिस्टर किया, कॉल भी आ गया. किसका कॉल है? ये प्रोफेसर को कोई नहीं है. ओके ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करता हूँ कि ये एक रूम है क्या. ठीक है. हाई देयर रूमी, आई एम प्रोफेसर कुकुई. बियंका टोल्ड मी टू एक्सेप्ट द पोकेडेक्स. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू वी विल ऑल नो मोर अबाउट पोकेमॉन एंड बी एबल टू गेट अलॉन्ग विद देम इवन बेटर. हाई प्रोफेसर कुकुई, इट्स रियली इंटरेस्टिंग ओवर हियर. There are so many Pokemon we couldn't proven were here 2 years ago. Thank you for going so far for this errand, Bianca. And Nate, how are you enjoying being a gym leader? Professor Kukui, it's been... अरे यार ये सब पकार है, मैं सब नहीं पढ़ने वाला. Okay, लोग काफ़ी पका रहे थे. Hey Umi, isn't Professor Kukui cool? If you talk to him on Extransceiver, he will evaluate your completeness of your Pokédex or tell you a lot about how Pokémon evolve. And you can call us too, of course. I will let you how well you and your Pokémon are getting along, okay? Bianca makes a good point. I will tell you what I know about Pokémon abilities and Pokémon type matchups. ये सब मेरे को पता है, okay? तो तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है. ओ ग्लैडियन यहाँ पे आ गया. Are you the gym leader? 1, 2, 3, let's battle. You look like tough trainer. Understood. Please come into my Pokemon gym. What was that weak answer? I'm definitely going to take you down. Okay, मैंने उसको पहले defeat किया. Being a gym leader is even harder than I imagined. The next thing is to make it so you can use the sea gear. The sea gear is a cool device for communication such as infrared connection for Nintendo Wi-Fi connection. ये सब क्यों बता रही है यार, मेरे को सब पता है. ओके ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला. ओके हटो अभी, लेट मी हील माई पोकेमॉन फर्स्ट.
बिकॉज मैंने अभी अभी जिम बैटल करके आया हूँ। एंड गेस व्हाट, उसका टाइपनल को हराना बच्चों का खेल था, लाइक लिटरली वो काफ़ी टफ तो था, लेकिन उसने खुद ही की बैंड बजा दी बिकॉज आई यूज़ कन्फ्यूज रे ऑन हिम। एंड अभी वेट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतना फास्ट क्यों हो गया था, ओके गलती थी मेरी। वेट, आई कैन यूज़ माई पोकी राइड। यार ये कितना स्मूथ एनिमेशन है, आई लाइक दिस। ये गोगोट भी कितना प्यारा है, लाइक इसका यूज़ करके हम कितना जल्दी टाउन टू टाउन ट्रैवल कर सकते हैं। ही ओ फिर से आ गई। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू अपग्रेड द पोकेडेक्स दैट आई गेव यू। आई एम गोइंग टू ऐड द हैबिटेट्स लिस्ट, ओके? इट्स एन अमेजिंग फीचर। आई एम जस्ट गोइंग टू बोरो योर पोकेडेक्स फॉर अ सेकेंड। विद दैट हैबिटेट लिस्ट यू कैन चेक विच पोकेमोन आर इन द एरिया। इट्स अ मोड इन पोकेडेक्स। टू यूज इट, ओपन द पोकेडेक्स एंड टैप द हैबिटेट लिस्ट बटन द लोअर लेफ्ट ऑफ द टच स्क्रीन। नेक्स्ट पिक द एरिया यू वॉन्ट टू सी। You can see all the Pokemon that live in the area. It even tells you which one you have already caught. Would you like to hear Nana? I have a tip for you. When you are walking down a path, you will sometimes see rustling grass. Okay, if you go to that spot, well, I will let the rest be surprise. Okay. Filling up the Pokédex will make your world bigger. So go to many different places and meet many different Pokemon, okay? See you. उसने कुछ बोला कि अगर तू ग्रास में जाएगा तो तुझे कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आई डोंट नो क्या लिखा था, लेकिन ठीक है। ही दैट्स ग्लीमिंग थिंग, देयर इज़ अ बेसिक बैच बट यू डोंट गेट बी स्वेल्ड हेड। इट्स अ रफ वर्ल्ड आउट देयर। हियर आई विल शो यू। ओके, एक जिम, सॉरी एक ट्रेनर बैटल, एक सैंड श्रू विथ स्नो वार्निंग वाली एबिलिटी है। गेस व्हाट, हमारे पास फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जो कि खुद की देखभाल कर सकता है। ए रियोलू आ रहा है। वेट, रियोलू एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, सो वी कैन यूज़ पैक। उसने एंडियोर यूज़ कर लिया, सो इज़ गोइंग टू सर्वाइव दिस मूव। बट एक और बार नहीं, ओ नहीं सॉरी, वो तो वेदर से ही चला गया। अभी आ रहा है जियोडूड। जियोडूड को हराने के लिए वी कैन सिंपली यूज, ओ डैम, हाँ मैं भूल गया यार, ये लोग इस जगह पे, मतलब लाइक अलोला वाले जियोडूड इलेक्ट्रिक टाइप भी होते हैं, लेकिन मैंने इसको हरा दिया। एंड गेस व्हाट गाइस, हमारा बाकी यानी कि हमारा रियोलू या फिर राइलू इवॉल्व हो रहा है, वो भी आई गेस। यार मैंने इसको काफ़ी अच्छा ट्रेन किया, डैम। तो ओके, एंड हाँ मैंने आज की सेव फाइल दी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले एपिसोड से प्रॉमिस करता हूँ आपको सेव फाइल दूंगा। एंड मैं अभी कंसिस्टेंट भी रहने वाला हूँ, सो नेक्स्ट एपिसोड से सेव फाइल मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ऑल राइट, आई एम बीट। विद डिपेंडेबल पोकेमॉन लाइक दैट, इवन अ किड लाइक यू कैन होल्ड योर ओन अगेंस्ट एन अडल्ट। यप, ओके, बैटल तो मुझे करनी है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन विरबैंक सिटीज प्री स्कूल। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट, व्हाट्स यू गॉट, कैस क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स यू गॉट आई गेस, व्हाट्स यू गॉट, ओके ऐसे ही कुछ तो कहते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, अगर ट्रस्ट मी ब्रो, अगर तू स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं था, नहीं है। ओ मी वेट, अरे यार ये लोग रास्ते में रोक देते हैं। ओ ये नेट यहाँ पर क्या कर रहा है। कम विथ मी यू टू। ओके, अब हमारे गोगोट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। सी द डार्क टॉल ग्रास हियर, इट्स अ रेयर बट समटाइम्स टू पोकेमोन पॉप अप आउट एट द सेम टाइम। ऑल्सो पोकेमोन दैट हाइड इन डार्क ग्रास आर स्लाइटली स्ट्रोंगर, सो बी केयरफुल इफ यू वॉक थ्रू। इफ यू आर गोइंग टू चैलेंज द नेक्स्ट जिम इन विरबैंक जिम, यू माइट नीड अ स्ट्रोंगर टीम टू गेट पास्ट इट। ओके, दिस माइट हेल्प यू टू कैच सम रेयर पोकेमोन। ओ एक फिशिंग रॉड, सुपर रॉड दी वो भी। सो गाइज मुझे बताओ कि कौन सा वाटर टाइप पोकेमॉन मेरे को अपनी टीम में ऐड करना चाहिए, एंड प्लीज़ ऐसा ही कोई पोकेमॉन बताना जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया रहेगा। हियर इज़ वन फॉर यू ग्लैडियन, बोथ ऑफ यू डू योर बेस्ट। ओके, इफ़ यू नीड एनीथिंग कॉल मी ऑन एक्स ट्रांसीवर। ओके, बंदा तो अच्छा है,
Nate sure knows a lot, and he fought those Team Skull's thugs too. I've decided I'm going to get stronger than him. You should. Do your best, fill up your Pokedex and have my back, got it? Okay. वेट मेरे को चेक करना है कौन से पोकेमॉन यहाँ पे मिलते हैं. ये कौन सा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है? लाइक उसने बोला था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिलते हैं, लेकिन ये तो कोई नॉर्मल पोकेमॉन ही है. ओके आई कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे इससे बैटल करेंगे. हाय देयर, लुक एट माय ऑसम पोकेमॉन. ओके दिखा कौन सा ऑसम पोकेमॉन है तेरे पास. इफ़ यू थिंक दिस इज़ योर ऑसम पोकेमॉन, आई एम सॉरी किड, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है. अरे यार सिट्रस विट्रस वेरी यूज़ मत करो. वेट आई गेस हम लोगों को अभी बाकी को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं. सो सिंड्रेला आगे आ जा. ओके कौन सा पोकेमॉन? एक लूटेड. इनके लेवल कितने कम है डैम. वेट ये क्या है? एक डायरेट. नीचे कर ले बैटल, तू भी क्या याद रखेगी. एक ही पोकेमॉन है यार तुम्हारे पास, मुझे तो गर्व मतलब दया आ रही है तुम लोगों के ऊपर. ओके इसका पोकेमॉन थोड़ा तो स्ट्रांग था, आई कैन से दैट. ओ एक डबल बैटल, चलो करेंगे. डबल बैटल में मज़ा आती है पता है. इनके पास कोई स्ट्रांग पोकेमॉन है ही नहीं. एंड लेट मी यूज़ क्विक अटैक ऑन स्कैटर बग. आईसी विंड से तो ये बाउंस विट चला ही जाएगा. चला नहीं गया यार, वो सर्वाइव कर गया समाओ. ओके कोई नहीं चला गया अभी. आइस इवेंट से नहीं गया तो क्या हुआ, इसके स्नो वार्निंग से चला गया. आगे जाएंगे, यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हो. ये पहले हटाओ. इफ़ यू वांट टू रीड न्यूज़ तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसे दिखती है, जस्ट आके ए प्रेस कर दो और एंगल ही चेंज हो जाता है. हेलो ओ यू आर विथ फोर पोकेमॉन बट इफ़ यू हैव मोर पोकेमॉन योर जर्नी शुड हैव इवन मोर फन. ओके हियर आई विल गिव यू दीज, सो व्हाई डोंट यू कैच मोर पोकेमॉन. चेरिश बॉल. ओके इनसे क्या होता है? यू नो व्हाट दे से, चेयरफुल कंपनी शॉर्टन्स द माइल्स. ओके एंड आई विल हैव यू नो दोज आर सम वैल्यूएबल पोकी बॉल्स. ओके थैंक्स. यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं. फोन आ रहा है. ओ मम्मी का. हाई इट्स योर मॉम, वेर आर यू राइट नाउ? वाह वेर बैंक सिटी, देर इज अ कॉम्प्लेक्स देर राइट. हैव यू बीन देर येट? द वे इट लुक्स एट नाइट इज रियली क्वाइट नाइस एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर पोकेमॉन देर. You know your Pokemon can do some things that you can do others. Okay, I hope you can all work together and accomplish amazing things. Okay, I don't know ये सब क्या था लेकिन ठीक है. अभी एक काम करेंगे, ये क्या दीवार को देख रहा हूँ मैं. Wirbank City, the city of falling fog and rising stars. ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं आज का एपिसोड मैं यहीं पर एंड रखूँगा या फिर एंड करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया रहेगा तो उसको इग्नोर करो. And thank you guys for supporting. Bye. मैं मिलूंगा आपसे next video में. तब तक के लिए अपने ख्याल रखो. Peace out.